हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल लाइफ एंड लाइफ में। आज हम बात करने जा रहे हैं गोड्डा रेलवे स्टेशन के बारे में, गोड्डा रेलवे न्यूज़ के बारे में। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और इस तरह के वीडियो हम अक्सर लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। गोड्डा रेलवे स्टेशन नव निर्मित स्टेशन है, और गोड्डा जिला झारखंड का एक प्रमुख जिला है। आपको यहाँ पर ये कहना हम चाहते हैं कि गोड्डा से नई दिल्ली के बीच जल्द ही ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है, जिसका कि नाम हमसफर एक्सप्रेस। और आपको यहाँ पर और कहना चाहते हैं कि बांका, भागलपुर, मुंगेर के साथ साथ पूर्वी बिहार के जितने भी ज़िले हैं उन सारे ज़िलों को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। तो जब ट्रेन ये स्टार्ट होगा उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, टाइम टेबल और किन किन स्टेशनों के बीच इसका ठहराव रहेगा उसका भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी चर्चा हम गोड्डा रेलवे स्टेशन का करते हैं। पहली बार ऐसा होगा कि संथाल परगना में गोड्डा जिले का मुख्यालय रेल के मामले में सीधा संपर्क में जुटेगा। इस क्षेत्र में रेलवे लाइन का निर्माण और नई रेल लाइन बिछाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, और साथ ही साथ आने वाला समय में गोड्डा रेलवे स्टेशन का विकास भी किया जाएगा, जिससे कि साथ ही साथ यहाँ के ज़िले के सभी निवासियों को फ़ायदा मिलने वाला है। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से गोड्डा तक हमसफर एक्सप्रेस चला के होगी, और कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद यह रेलवे को लाइन को हरी झंडी मिल जाएगी। रेलवे के लगातार अधिकारी यहां पर बैठक आवागमन होता जा रहा है, और पूर्वी रेलवे के मुख्यालय अभियंता राजीव गुप्ता के मुताबिक सभी स्तर की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। गोड्डा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। आइए अब बात करते हैं कि गोड्डा रेलवे स्टेशन से कौन कौन सी ट्रेन चलेगी और किनका विस्तार गोड्डा रेलवे स्टेशन तक किया जाएगा, जिससे कि गोड्डा के वासियों को जो सपना है कई वर्षों से उसका पूरा यहाँ पर होने की उम्मीद बिल्कुल हो चुकी है। तो गोड्डा से नई दिल्ली के बीच हमसफर एक्सप्रेस चलेगी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि गोड्डा से रांची के लिए दुमका इंटरसिटी भी चलेगी। और आपको बता दें कि भागलपुर से रांची वारांचल एक्सप्रेस जो चलती है उसका विस्तार गोड्डा तक किया जाएगा, यानी कि भागलपुर से वारांचल एक्सप्रेस जो खुलता है रांची के लिए वो गोड्डा से खुलेगी। और ये टाइम टेबल जब ट्रेन चलाई जाएगी तो उस पर मैं स्पेशल भी वीडियो बनाऊंगा। तो और साथ ही साथ जो अभी भागलपुर से पैसेंजर ट्रेन चलती है हसडिया के बीच उसका विस्तार भी गोड्डा तक किया जाएगा, और शीघ्र ही गोड्डा तक विस्तार हो जाने के बाद ये ट्रेन भागलपुर दुमका और भागलपुर गोड्डा नया पैसेंजर ट्रेन अलग अलग बन जाएगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो गोड्डा रेलवे स्टेशन के बारे में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? इस तरह के मज़ेदार वीडियो हम गोड्डा, बांका, भागलपुर, मुंगेर इन सभी जगहों के बारे में वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए,